मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट, रिया के मोबाइल से मैसेज डिलीट, उसके भाई शोविक के फोन से भी डाटा डिलीट, रिया के पापा इंद्रजीत चक्रवर्ती के फोन से भी डाटा डिलीट, तो दूसरी ओर कंप्यूटर के आईपी एड्रेस भी चेंज, एक बार नहीं बार बार। एक बार तो सुशांत की सुसाइड से करीब हफ्ता भर पहले और एक बार इसी महीने आईपी एड्रेस बदला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए सच सामने आते जा रहे हैं। अब मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आखिर क्यों और कैसे रिया, उसके भाई और उसके पिता के फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट हो गए? किसने और क्यों कंप्यूटर के आईपी एड्रेस बदले? क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या कोई सुशांत की सुसाइड से जुड़े राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था? आरोप बेहद गंभीर हैं, लिहाजा शक उतने ही गहरे। हर सवाल का सच जानने के लिए ईडी ने रिया, शोभिक और उसके पापा के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और करीब साल भर का पूरा डाटा रिट्रीव किया, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सुशांत केस में ही एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विविध रेज रियलिटी एक्स नाम की सुशांत की जो कंपनी थी, उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी चेंज किया गया, बार बार बदला गया। जानकारी है कि एक साल में एक या दो बार नहीं बल्कि 17 बार आईपी एड्रेस बदला गया। सुशांत के जिंदा रहते आखिरी बार 7 जून को, सुसाइड के बाद इसी महीने 7 अगस्त को भी। कौन कर रहा था ये सब? आईपी एड्रेस में क्यों किया जा रहा था बदलाव? क्या ऐसा मुमकिन है कि आईपी एड्रेस बदलकर कुछ राज छिपाए गए हों? सुशांत की मौत के पहले और बाद में आईपी एड्रेस का बदलना एक नई पहेली बन गई है। सूत्रों की माने तो इस बारे में जांच की जा रही है कि आईपी एड्रेस क्यों बदला गया, उसकी वजह और मकसद क्या है। ईडी लगातार सुशांत को जानने वालों से पूछताछ में जुटी है। उन्हीं में से एक नाम है श्रुति मोदी। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी के सामने मंगलवार को चौंकाने वाले बयान दिए। उसने बताया कि सुशांत के सभी फैसले रिया ही ले रही थी। जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई, वही सब कुछ तय करने लगी, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ा फैसला हो या किसी प्रोजेक्ट का, हर मामले को रिया ही तय करती थी। श्रुति मोदी सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी, लिहाजा ईडी उनसे कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही सुशांत सुसाइड केस में सस्पेंस गहराता जा रहा है। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।